गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पां बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचवर पॉइंट फतेहपुर गया। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक होगा लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन। हम लोग अभी तक डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन और इनवर्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन। ये टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन। और स्टार्टिंग में हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ चुके थे, जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और डी बाई डी एक्स सभी के पावर एक्स इजिकल डी के पावर एक्स। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर उस टाइप का अगर आपको फॉर्म दिखे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। जैसे नोट वन, यदि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहे, यदि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहे तो हम लोग ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। दूसरा, यदि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल रहे, दो फॉर्म रहेगा, या तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल एंड कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक है। तो इस दोनों केस में, ये दोनों केस में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल, ये हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े अभी जस्ट, ए टू द पावर एक्स, ये दिस इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स हुज वैल्यू वैरीज एवरी टाइम, जिसका वैल्यू हमेशा जो है वैरी कर सकता है। एक्स इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल सबसे पहले इसका लेते हैं, कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल, यानी वाई इज इक्वल टू दे दिया जाए 2 के पावर एक्स, ठीक है। वाई इक्वल टू द पावर एक्स, तो 2 ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। यानी कौन सा फॉर्म हो गया? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। अगर ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, वाई इजकल टू एक्स टू द पावर एक्स, कौन सा फॉर्म है? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। सो दो केस आया, या तो कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल रहे या तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहे। तो इस केस में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे देखते हैं आगे। पहला आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो एग्जांपल लिए थे, जिसे सबसे पहले लेते हैं कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। तो y इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है। एक तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, यानी dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े, कौन सा फॉर्मूला? ए टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इजिकल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। ये अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आएगा क्या? टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू, ये आंसर आएगा, ठीक है। बट यदि हम फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं याद है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी जो रियली में कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का, y इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स,
ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दो तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो हो गया लॉग वाई इक्वल टू एक्स इंटू, यानी लॉग टू टू पावर एक्स, और लॉग मींस सबका बेस कितना है, ये है सबका बेस क्या है। हम लोग जनरली स्टार्टिंग में बताए थे कि जो भी कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलस में बेस जनरली ई होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देन दोनों तरफ अगर हम लॉग लेते हैं तो इधर भी लॉग, इधर भी लॉग, और ये लॉग का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नहीं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है लॉगरिथम, आप पहले उसको जा करके पढ़िए और उसका प्रॉपर्टीज पढ़िए, ठीक है, ढंग से पढ़िए, पूरा समझ में आएगा लॉगरिथम का एक कंसेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कि लॉग ऑफ एक्स टू पावर एन रहेगा तो इसको क्या लिखाता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू लॉग ऑफ एक्स, यानी जो पावर क्या हो जाता है, बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये तो लॉग वाई हो गया इक्वल टू, ये टू द पावर एक्स पावर है, पावर क्या है, बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया है एक्स इंटू लॉग टू, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आंसर तो ये होगा जो सबसे फर्स्ट में हम लोग किए, आंसर यही होगा, लेकिन तरीका अलग है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो लॉगरिथम का लगा रहे हैं, आंसर ये होगा, क्यों, अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स है कि नहीं, तो 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ तो y है, वेरिएबल है, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन आ गया, एक u और एक v, याद कीजिए चेन रूल, ठीक है। तो ये चेन रूल में आ गया, u सबसे u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, सो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे u इंटू x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v log d by dx ऑफ log 2, ठीक है, u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v इंटू v मीन्स log 2 v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ u, d बाई डी एक्स ऑफ u, u मीन्स व्हाट, x, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू, लॉग टू इज अ कॉन्स्टेंट, लॉग टू क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, लॉग टू एक कॉन्स्टेंट है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये दिस इज अ कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इंटू जीरो प्लस लॉग टू, क्योंकि ये तो बाहर है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन, सो दिस इज वन, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, क्योंकि जीरो कहता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डुबा लेंगे, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। तो ये बचा कितना, लॉग टू, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज टू वाई, यहाँ आएगा, ठीक है, सॉरी वन बाई वाई, तो वाई इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई आएगा वाई इंटू लॉग टू। अब वाई सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या था, वाई इज टू लॉग टू टू द पावर एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स इंटू लॉग टू, दिस इज फाइनल आंसर। और आप चेक कर सकते हैं, यू कैन मैच बोथ द आंसर, यहाँ भी टू के पावर टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू, यहाँ भी टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू, दोनों आंसर सेम है, डायरेक्ट ये आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्लाई करने के बाद, ठीक है।
यानी ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट हम लोग इसी तरह का अप्लाई करेंगे जहां भी कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल हो, ठीक है। लेकिन एक और हम लोग पढ़े कि अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, यानी टॉपिक वही है कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज पावर ऑफ वेरिएबल, सो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी दोनों वेरिएबल रहे, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, याद कीजिए, फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी हम लोग जहां भी देखेंगे कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ गया, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही ना। सो लिखेंगे ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड और टेकिंग लॉग बोथ साइड, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो लॉग वाई इक्वल टू, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। अब अभी जस्ट बड़े हम लोग साइड में बताए थे कि लॉग का प्रॉपर्टीज है कि यदि लॉग एक्स टू द पावर एन रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लॉग y इक्वल टू लिख सकते हैं, ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यानी लॉग x टू द पावर n अगर रहता है तो क्या होता है, n बाहर आता है, लॉग x लिखाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग टू लॉग x, ठीक है। बेस क्या है इसका, ये है, ऑलवेज कीप इन माइंड। डिफ्रेंशिएशन, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या तो लिख सकते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर, और ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। पहले क्या करेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करने पर, ठीक है। सो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ध्यान रहे हमेशा, जब भी लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन रहेगा तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन आएगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दो फंक्शन यू इंटू भी है कि नहीं, यू इंटू भी, दोनों फंक्शन, तो यू इंटू भी में हम लोग क्या अप्लाई करते थे, u into differentiation of v plus v into differentiation of u, so u into x into differentiation of v d by dx of log x plus v into log x into d by dx of u x। देखिए, u into differentiation of v प्लस वी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, चेन रूल, ठीक है, चेन रूल नहीं बल्कि हम लोग पढ़े थे डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, और चेन रूल भी अलग से पढ़े थे, ठीक है। सो जितना हम लोग पढ़े चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन का, इन्वर्स फंक्शन का, या यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, वी यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन, कहीं ना कहीं हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और सो यहाँ हो गया वन बाई वाई इंटू टी वाई बाई डी एक्स, टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वन बाई एक्स, हम लोग सब पढ़े हैं, वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, सो इंटू वन,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक दोनों कैंसिल वन प्लस दिस इज लॉग एक्स। लॉग एक्स अगर है ठीक है, अगर इसका बेस ये है, इसको हम लोग शॉर्ट में एल एन एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल एन एक्स। बुक में आप देखेंगे एल एन एक्स भी लिखा हुआ, दोनों एक की है ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ है y, तो y जब इधर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y। फाइनल आंसर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन क्या था? वाई इजल टू एक्स टू पावर एक्स, क्योंकि क्वेश्चन यही था वाई इजल टू एक्स टू पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। और ये हो गया फाइनल आंसर ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन यदि कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल रहे या तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहे, दोनों केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे फर्स्ट स्टेप। उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि लॉग एक्स टू पावर एन इजकल टू एन बाहर आता है और लॉग एक्स आता है ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी रूल लगेगा उसको लगाने के बाद हम लोग फाइनल पे जाएंगे। और जो भी यहाँ वाई है वाई उधर जाएगा और वाई इज इक्वल टू जो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन होता है उसको हम लोग लिख देंगे ठीक है। इतना समझ में आया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स ठीक है। ऐसा भी रह सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी रह सकता है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, दोनों क्वेश्चन हो सकता है ठीक है। ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, प्रोसेस सेम होगा, आंसर से अलग आ सकता है, अलग आएगा ही क्योंकि क्वेश्चन अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम ही होगा। या तो हम इसको बनाएं या तो इसको बनाएं ठीक है, किसी एक को बनाते हैं इसी को सॉल्व करें, दोनों प्रोसेस सेम स्टेप, क्वेश्चन इसको ले चलते हैं ठीक है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे याद कीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर लॉग वाई इक्वल टू लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स। ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लॉग एक्स पर साइन एक्स है, उसमें क्या होगा साइन एक्स पर एक्स रहेगा ठीक है। तो लॉग वाई इक्वल टू ये एक्स पर साइन एक्स है, पावर क्या होगा बाहर आएगा, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम ठीक है। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, जो पावर था वो बाहर आ गया और ये बाहर आ गया। अब देखिए ये दो फंक्शन आ गए, फिर से ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन में रहता तो ये एक्स बाहर आता, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स ठीक है, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स होता, यहाँ क्या हो साइन एक्स बाहर आया तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हुआ। अब डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सेम प्रोसेस सेम स्टेप, कोई चेंज नहीं। ये डिफ्रेंशिएशन इसका क्या, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई जस्ट अभी बताए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया यू इंटू भी, ये यू और ये भी ठीक है। सो यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी एंड भी इंटू प्लस भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, सो यू इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या भी लॉग एक्स प्लस यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी प्लस भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, भी मीन्स लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ठीक है। सेम स्टेप अभी तक आए, आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके और फाइनल आंसर लिख देना है ठीक है। क्या होगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई
डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो बाहर है तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स बाहर लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स बताइए, कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स, कितना सोच रहा होगा कॉस एक्स, कितना सोच रहा होगा माइनस कॉस एक्स, याद कीजिए बताए थे क्या कि जिसका जिस फंक्शन का फर्स्ट लेटर अगर सी हो उसी का डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है, ठीक है, तो माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये y इधर से उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऐसा y में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y इक्वल टू वाट, y इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे साइन x टू द पावर साइन x, x टू द पावर साइन x, क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सो ये y की जगह पर लिख दिया और यहाँ क्या आ गया साइन x बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया फाइनल आंसर। आया समझ में, सारे में एक ही स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं लॉग ले रहे हैं, ठीक है, लॉग लेने के बाद लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद सिर्फ प्लस माइनस जैसे करना है मल्टीप्लाई करना है क्या करना है, और लास्ट में फाइनल आंसर लिख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो बोर्ड में ही पूछता है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू x दूबर x प्लस साइन x दूबर x, x दूबर साइन x प्लस साइन x दूबर x, ठीक है, यानी ये भी है क्या वेरिएबल टू दूबर वेरिएबल प्लस वेरिएबल टू दूबर वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल है, ठीक है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं u और इस पूरे को मान लेते हैं v, ठीक है, अगर ये पूरा u हो गया तो y इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस v, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो गया u प्लस v, तो फाइनल आंसर क्या चाहिए हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये तो चाहिए, क्योंकि y इज इक्वल टू हम लोग क्या इसको u मान लिए इसको v मान लिए, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स, यानी फाइनल ये चाहिए। तो u इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं x टू द पावर साइन x, तो हम लोग एक करके निकालेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स अलग फाइंड करेंगे, डी वी बाई डी एक्स अलग फाइंड करेंगे, ठीक है, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, जो हम लोग एक एक करके अभी तक प्रोसेस लगाए यहां सिर्फ एक एक करके दो बार प्रोसेस लगाना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड सेम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log u इक्वल टू log u इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर साइन x, है कि नहीं, सो वन बाई y डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी ऐसे कर सकते हैं log u इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो साइन x बाहर आएगा इन टू लॉग एक्स, ठीक है, जस्ट अभी
इस टाइप का सेम क्वेश्चन बनाया है, सेम, ठीक है। सो लॉग यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई यू, क्योंकि वहाँ वाई रहता था तो वाई लिखते थे, यहाँ यू है, वाई इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यही तो हमको फाइंड करना है। यानी लिखेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इन दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करने पर, ठीक है। वन बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये देखिए दो फंक्शन है, ठीक है, ये अलग फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहला इंटू दूसरा का फंक्शन डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला इंटू साइन एक्स इंटू पहला इंटू किसका डिफ्रेंशिएशन, दूसरा का, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस पहला इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो वन बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। देखिए अभी क्या हमको फाइंड करना है, डी यू बाई डी एक्स, सेम इसी प्रकार हम लोग को फाइंड क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया, ये u पर जाएगा, u इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और u इजकल टू क्या है, x इंटू एक्स पावर साइन एक्स, सो x टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स, ये इक्वेशन वन, ठीक है। ये सिर्फ अभी आया क्या, डी यू बाई डी एक्स, सेम इसी प्रोसेस हमको फाइंड क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स, और भी है क्या, साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। भी इक्वल टू क्या हम लोग माने हैं, साइन एक्स टू द पावर एक्स, है कि नहीं, साइन एक्स टू द पावर एक्स, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, है कि नहीं। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम स्टेप सेम प्रोसेस, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग भी इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स, एक्स बाहर आएगा, सेम प्रोसेस, कोई वो चेंज नहीं है, ठीक है। यानी जो भी हम लोग अभी तक अप्लाई कर रहे हैं सारा सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, सेम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक क्वेश्चन आप सीख गए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ये हो गया लॉग भी इक्वल टू एक्स बाहर आएगा, ये आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, वन बाई भी इंटू लॉग लॉग सॉरी वन बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ भी देखिए दो फंक्शन, एक अलग फंक्शन है, ये टोटल पूरा अलग फंक्शन, तो e पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, x इंटू दूसरा का डिफरेंस डायरेक्ट कर दे, नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन,
सो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये भी ऊपर जाएगा, एक्स इंटू, यहाँ देखिए चेंज रूल लग गया। सबसे पहले लॉग एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, लॉग एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई साइन एक्स। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं चेंज रूल का, ठीक है। जिस स्टूडेंट को यहाँ समझ नहीं आएगा, इससे पिछले वाला वीडियो जो है चेंज रूल देख सकते हैं, ठीक है। यानी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स। जैसे लॉग एक्स रहता है तो वन बाई एक्स, लॉग साइन एक्स तो वन बाई साइन एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन, तो वन लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वी, वी क्या था, साइन एक्स टू पावर एक्स, साइन एक्स टू द पावर एक्स, ये टोटल एक्स इंटू, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, कोई दिक्कत? ये इक्वेशन टू। अब देखिए पहला इक्वेशन में आ गया डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, दूसरा इक्वेशन में आ गया डी वी बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना था हम लोग, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो यदि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सिर्फ ये दोनों फाइंड करना, दोनों आ गया, ठीक है। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, यही ना हम लोग मानते थे स्टार्टिंग में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अरे दोनों आया हुआ है, डी यू बाई डी एक्स भी आया हुआ है और डी वी बाई डी एक्स भी आया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी प्लस में आ गया, यहाँ भी एक्स पावर साइन एक्स, यहाँ भी साइन एक्स पावर, ओ अलग अलग है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये डी यू बाई डी एक्स, प्लस क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स। इसको कॉट एक्स भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ यही रख दीजिए, कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वाई इजिकल टू एक्स टू दावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स टू दावर एक्स। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, y इज इक्वल टू एक्स टू दावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक है। यानी दोनों वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहेगा और प्लस माइनस से भी ऐड रहेगा, तो हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू इफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स पावर टू द पावर एक्स इन्फिनाइट तक, ठीक है। यानी पावर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। देन प्रूव दैट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई वन माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। सो स्टेप सेम, प्रोसेस सेम, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लाएंगे, y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x टू पर y, क्यों, ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले टॉपिक में, यानी पिछले जो कुछ लेक्चर में हम लोग बताए पढ़े थे, ठीक है। यानी ये कहाँ तक है, इन्फिनिट तक। तो अगर थोड़ा सा हटा ही दिया जाए, कहा जाता है जैसे कि समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये इन्फिनाइट तक है। तो यहाँ से एक हटा दो तो फिर तो वही है, एक्स टू पर एक्स टू पर एक्स टू पर एक्स, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक।
तो इसको भी एक हटाने के बाद भी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। यानी समुद्र से अगर एक लोटा पानी हटा दिया जाए तो भी वो समुद्र ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर वाई। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि ये आ गया वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, प्रोसेस सेम, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू पर वाई, ठीक है, लॉग वाई, ये पावर वाई है, पावर बाहर बाहर आएगा, वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करने पर, यानी दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये एक फंक्शन पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो पहला इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, पहला इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स, प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, पहला का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत? वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड है, तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं एक को ही साइड ले आते हैं, ठीक है। तो वन बाई वाई, वन बाई वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या बच गया वाई बाई एक्स, इधर हो गया वाई बाई एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एल सी एम यानी कॉमन बाहर कर दिए, यहाँ कितना बचा वन बाई वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। प्रूफ क्या करना है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई वन माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स, ये y एल सी एम लेते हैं, यहाँ कितना होगा वन माइनस वाई इंटू लॉग एक्स होगा कि नहीं, यहाँ y एल सी एम होगा, तो ये y इंटू वाई वन, यहाँ वन माइनस यह y नहीं है तो y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो गया y बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू, ये y हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा कितना y इंटू वाई वाई स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। प्रूफ करना है उसके फॉर्म में लाते हैं, x को इधर लाते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो देखिए फाइनल क्या हो गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये एक्स इधर आया तो नीचे डिवाइड में क्या होगा मल्टीप्लाई में आएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा तो वन माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, प्रूफ्ड, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। यानी अभी तक जितना हम लोग पढ़े जो भी क्वेश्चन किए, या तो कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, सारा में एक ही प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड यानी दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग लेंगे तो कहीं जो पावर है कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल रहेगा या वेरिएबल टू द पावर कॉन्स्टेंट रहेगा, नहीं कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल रहेगा या तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं यानी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन में ध्यान रहे, अगर वाई लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जो हम लोग अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो पढ़े डिफ्रेंशिएशन का रूल और नियम, उसको अप्लाई करते हैं और लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ लिख देते हैं। ठीक है, आशा है लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन आप सबको समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आएगा, कुछ परेशानी होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपके आपका जो कन्फ्यूजन हो उसका सोल्यूशन अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल की ओर से जल्द ही किया जाएगा। आज लिए के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद।